हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज कुछ दिन पहले मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया जो कि है जीत इलेवन, और आपको मैंने बताया किस तरीके से आप इसको रेफर करके और किस तरीके से आप इसको मैच प्ले करके पहचान कर सकते हो। तो आप में से बहुत सारे यूज़र्स उस वीडियो को देखा और बहुत सारे यूज़र ट्राई भी किया, और बहुत सारे यूज़र्स को बहुत सारा पैसा भी मिल रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर भी बहुत सारा पैसा कमाया, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे यूज़र्स गाइज यहाँ पर कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से हर दिन विन कर रहे हो, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के आप यहाँ पर विन कर, हम लोग यहाँ से विन कर सकते हैं, तो ये बताओ। और मेरे एक दोस्त भी है तन्मय, वो भी मेरे को पूछ रहा था कि इसके बारे में कुछ बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन किया हूँ उसके बारे में बता दूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने 2014-15 साल से मैं अपना फैंटेसी खेल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो ही चुका है। और अगर कोई नया एप्लीकेशन साथ है तो उस पर जितना उस पर अर्न करना, उस पर विन करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईजी हो जाता है। तो चलो आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। पहली बार के लिए चैनल पर आते हैं सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी अगर ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखता है सबसे पहले उसका पॉइंट सिस्टम तो आपको रीड करना पड़ेगा। पॉइंट सिस्टम कहाँ पे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जीत इलेवन ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद ट्रिपल डॉट पे जाना, वहाँ पर आपको एफएक्यूज एंड हेल्प बोल के जो सेक्शन मिलता है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंडेट है पॉइंट सिस्टम को चेक करना, हो सकता है आप तुक्के से एक दिन को जीत गया और उल्टा पुल्टा टीम बना के दिया आपने, उस केसेस में आपको विन हो चुका। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ में विन कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्ट्रैटेजी, इसका जो पॉइंट सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने कर लिया तो यहाँ पर सब सारा चीज़ मेंशन है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर देखो और पॉइंट सिस्टम हो सकता है आपको स्क्रीन में आ रहा है। सबसे पहला चीज़ आपको ये चीज़ पकड़ना पड़ेगा, तो अगर आप क्रिकेट मैच प्ले कर रहे हो तो क्रिकेट का पॉइंट सिस्टम आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर पॉइंट सिस्टम की बात करें, एवरी स्कोर यानी कोई भी एक रन पे आपको यहाँ पर आधा पॉइंट मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूँ ड्रीम इलेवन का जो पुराना वाला पॉइंट सिस्टम था उसका पूरा का पूरा कॉपी है, यानी एक विकेट पर आपको 10 पॉइंट और एक रन लेने के लिए आपको यहाँ पर आधा पॉइंट मिलता है। और गाइस यहाँ पर कैच में 4 और कैच एंड बोल्ड में अगर होता है तो 14 पॉइंट, और 0 बनाते हैं तो -2। और यहाँ पर देख सकते बहुत सारा चीज़ है गाइस, बाउंड्री पे जो भी बाउंड्रीज होता है वहाँ पर 0 पॉइंट आधा पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर किसी ने 4 विकेट ले लेते तो 4 पॉइंट एक्स्ट्रा, 5 विकेट ले तो 8 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से है गाइस, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, इसका जो पॉइंट सिस्टम है पूरा का पूरा माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी एक्सपीरियंस मेरे अंदर है, आपको हर मैच प्ले करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ये मैच हार गया दूसरा मैच भी इन्वेस्ट कर देते, वो मैच हार गया। सबसे पहले जो भी मैच आप प्ले करना चाहते हो उसका आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, किस तरीके से लीग भी ज्वाइन करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भी मैं बता रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंग मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं किसी से देख के किसी का देख के नहीं बता रहा हूँ, खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग गया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, हो सकता है मेरा ये चीज़ को आप कॉपी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला चीज़ आपने रेफर करके मान लीजिए 400-500 रुपये कम है। मैं दो तरीके की चीज़ बताऊंगा, एक तो आप लीगली किस तरह से विन कर सकते, दूसरा जो है आपको खुद का कंपटीशन खुद से होगा वहीं से भी विन कर सकते। तो चलो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ आपको तो पॉइंट सिस्टम मैंने बता चुका, पॉइंट सिस्टम एक बार जरूर देख लेना। अभी आपको अगर मान लिया कि मुझे ये पर्टिकुलर मैच चूज करना पड़ेगा जिसमें मैं 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करूँगा, तो यह एक काम करना गाइस, जो भी लीग आप ज्वाइन कर रहे हो एक दिन पहले ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो एक दिन पहले का ज्वाइन कर दो, बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं बहुत सारे बंदा गाइस टीम एडिट नहीं कर पाते, और आफ्टर प्लेइंग इलेवन अगर आप लीग ज्वाइन करते हो तो आपको हर एक टीम में जो है टफ कॉम्पिटिशन मिलने को मिल सकता है। और ऐसा भी होता है गाइस यहाँ पर जो सब क्योंकि सबको वहाँ पर प्लेइंग इलेवन देख के आया है, समझ रहे हो, तो उस केस में गाइस आपको टफ कॉम्पिटिशन मिल सकता है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा, दो दिन एक दिन पहले, यानी अगर आपको अभी के लिए मान लीजिए दो दिन का बाद का मैच अभी के लिए जीत इलेवन पर शो कर रहा है, ये जीत इलेवन पर नहीं हर एक प्लेटफॉर्म पर आप जरूर इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो, तो उसको आपको प्ले कर देना पड़ेगा। तो दो तीन दिन पहले आप लीग ज्वाइन कर दो। तो लीग ज्वाइन आप कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। अगर आपने ठान लिया कि मुझे 500 रुपये इन्वेस्ट करना है तो 3 मेंबर में एक लीग ज्वाइन कर दो, एक हेड टू हेड में कर दो। अगर हेड टू हेड वाला फ्लॉप हो चुका है तो 3 मेंबर वाला कवर करवा देगा, और अगर 3 मेंबर वाला आपको लॉस हो जाता है तो हेड टू हेड वाला कवर कर देगा। टीम एक ही बनाना और उसके बाद लीग मल्टीपल टाइम पर ज्वाइन करना, ठीक है। अभी बहुत सारे यूजर्स गाइस सोचते हैं कि हमने हेड टू हेड में कैसा टीम बनाया, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको प्लेइंग इलेवन देखने के बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होता है जहाँ पर आपको टीम पर स्ट्रैटेजी मिलता है, किस तरह के टीम भी दिया जाते हैं, बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उस केस में आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बाई प्रोफेशन बहुत सारे यूजर्स को ये फैंटेसी को ले लिया, तो उसके पास आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, उससे आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, तो ऐसा आप अगर करोगे तो ज़रूर आप जीत पाओगे। आप देखो गाइस रेफर करके जो मनी आपने कमाया, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस तरीके से नहीं, मैं ऐसे गेम खेलना चाहता हूँ ताकि मेरा पूरा पैसा आ सके, उस केसेस में आपको आपका दोस्तों का सहारा लेना पड़ेगा या फिर आपका सेकेंड आईडी का जरूरत होगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपके पास रेफर क्यों हमारी 500 रुपये है,
और आपने एक दोस्त का है उसके पास भी रेफर किया मनी 500 रुपये है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मैच पर्टिकुलर चूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसा मैच चूज़ करना, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ सेकंड वाला, ऐसा मैच चूज़ करना जो 3-4 दिन बाद होगा, क्योंकि जहाँ पर अभी मान लीजिए लोग उतना कॉन्टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक कॉन्टेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि 400 रुपये 200 रुपये जो कॉन्टेस्ट होगा, एक ही कॉन्टेस्ट पर एट ए टाइम दोनों एक साथ एंट्री कर देना, ठीक है। मान लीजिए एक टीम के साथ आपका दोस्त ज्वाइन कर लेगा, एक टीम के साथ आप ज्वाइन कर लेंगे, तो दोनों का टीम जो नेम होता है वहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे आप देख लोगे दोनों का टीम नेम सेम है, तो समझ जाना आप दोनों जो फ्रेंड है तो एक लीग के अंदर आ चुका है। उसके बाद कोई भी ज्वाइन कर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आपके पास आया, उसके बाद पैसा जो है आधा आधा कर सकते हो। ये चीज़ आप खुद के साथ भी कर सकते हो, अगर आपके पास बोनस ज़्यादा है तो इस चीज़ को कर सकते हो, नहीं अगर आप नहीं चाहते कि मैं फेयरली प्ले करूँगा, फेयरली में इतना क्षमता है मेरे पास, मैं किसी को हरा सकते हो, उस केस में वो भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बनाकर आप जीत इलेवन से पैसा कमा सकते हो। जीत इलेवन का अच्छा बात है कि उसका जो बोनस मिलता है पूरा पूरा यूटिलाइज होता है, पूरा का पूरा गाइस यहाँ पर यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान में रखना, और ये चीज़ अगर कर ले तो आपको आई होप कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। तो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा जीत इलेवन से कैसे आपको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करना है, ठीक है। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।